हेलो गाइस, माय नेम इज तरुण कुमार और आज मैं आपको पिछले थर्ड लेक्चर की तरह इस फोर्थ लेक्चर में आपको मैं डिजाइन कराने जा रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपने मेरा थर्ड लेक्चर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइबर ना किया तो सब्सक्राइबर कर दें, बेल आइकन को दबा दें और सिविल इंजीनियर स्टडी पर जाकर इसको लाइक एंड शेयर करें। ओके, चलिए दोस्तों, ये कंप्रेशन मेंबर का फोर लेक्चर है मेरा और इससे पहले तीन लेक्चर में बना चुका हूँ। चलिए दोस्तों, हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस न्यूमेरिकल में पूछ रहा है आपसे, डिजाइन ए कॉलम सेक्शन टू कैरी ऑन एक्सल लोड ऑफ 410 किलो न्यूटन। ओके, तो बोल रहा है डिजाइन यानी कि अभी कल्पन करना है किसका, कॉलम सेक्शन का। ओके, और कैरिंग ऑफ एक्सल लोड, इसमें जो इसकी कैपेसिटी है वो दे रखी है आपको 410 किलो न्यूटन। ओके, और आगे दे रखा है द कॉलम इज, यानी कि यह कॉलम कितने का है, 4.2 मीटर। ओके, यानी कि लॉन्ग। ओके, ये लॉन्ग है। और एंड इज इफेक्टिवली वेल्ड इन पोलिशन इट वॉट एंड वट रेस्टेंट ए ब्लिस्ट रेक्टेंगल इट वन एंड ओनली। ये देखें दोस्तों, यार्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील 250 किलो न्यूटन MPa। तो दोस्तों यहाँ से ये आपकी, देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, यहाँ से ये आपकी बन गई है कंडीशन। ये आपको मिलेगी IS कोड में, आप IS कोड साथ लेकर बैठना। यहाँ से इफेक्टिवली वेल्ड इन पोलिशन इट, यहाँ से लेके आपको ये मिलेगी आपको यहाँ तक। ओके, ओनली तक, ये आपको यहाँ IS टेबल में से मिलेगी। देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ IS टेबल। अगर दोस्तों आपके पास ये टेबल नहीं है तो आप मार्केट से जाके खरीद सकते हो उसको। ओके, चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ आपको पेज नंबर 173 पर। ये देखिए दोस्तों, पेज नंबर 173 पर आपको जाना है। ये देखिए 173, और दोस्तों इसमें आपको कंडीशन दे रखी है ये वाली। देखिए दोस्तों क्या दे रखी है, दिखा देता हूँ थोड़ा जूम। ओके, यह है दोनों सिरों पर स्थिति में स्थिर एवं एक सिरे पर घूर्णन में स्थिर। कितनी है दोस्तों इसकी प्रभावी इफेक्टिव लेंथ, यह है 0.8, यानी कि ये देखिए दोस्तों यह है L। ओके, यही वाली है, समझना आप दोस्तों, ध्यान से समझिए। ये देखिए ये आपकी इफेक्टिव लेंथ। ओके, आपको ये वाली लेंथ लेनी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको और बताने जा रहा हूँ और सीखते हैं इसमें कुछ, मैं आपको और सिखाऊंगा आगे। इससे पहले, इसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, इसमें यार्ड स्ट्रेस दे रखी है आपको 250 किलो न्यूटन की। ओके, चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन कुछ इस प्रकार, लोड दे रखा है आपको कितने का दोस्तों, ये देखिए 410 किलो न्यूटन। ओके, और लेंथ, ये दोस्तों आपका गिवन डाटा है, लेंथ ऑफ कॉलम ये दे रखा है आपको। ये देखिए लेंथ द कॉलम की लेंथ दे रखी है आपको 4.2 मीटर। ओके, और इफेक्टिव लेंथ दे रखी है आपको, ये आपको निकालनी है। ओके, इफेक्टिव लेंथ मैंने आपको बताया था अभी टेबल में बताया था आपको मैंने। ये देखिए एक बार और दिखा देता हूँ,
ये देखिए दोनों सिरे ओके हैं, ये वाली कितनी है आपकी 0.8 और ये रही इफेक्टिव प्रभावी लंबाई इफेक्टिव लेंथ। हाँ तो दोस्तों ये देखिए ये आपकी 0.8 × L। अब दोस्तों 0.8 और लेंथ दे रखी है आपको 4.2 की, तो 4.2 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये देखिए दोस्तों कैल्सी साथ लेकर बैठना, 0.8 × 4.2 तो यह आया आपका 3.36। 3.36 कितना है मीटर, ओके यह आया आपका मीटर में। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बताता हूँ, इसमें ये नोट में डालिए आप नोट, सिंगली एंगल चैनल और आई सेक्शन 80 MPa, ओके। और ये कहाँ से आया है दोस्तों, ये भी आपका ये टेबल में से मिलेगा आपको छाटने के लिए। तो इसमें एक ग्रॉस अप्रोक्स दे रखा है आपको, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, लोड अपॉन स्ट्रेस। आपको दोस्तों इसमें लोड दे रखा है आपको 410, ये वाला ओके 410 इंटू, इसको हम करते हैं न्यूटन में चेंज, और स्ट्रेस दे रखा है आपको 80। 80 कहाँ सा है ये देखिए दोस्तों, मैंने बताया था आपको 80, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको प्राप्त होगा 51.25 mm स्क्वायर, ओके। यह आपको कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं कॉलम सेक्शन SC, इसको SC से डिनोट कर देते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये देखिए सिलेंडर नेस रेशियो, हिंदी में बोले तो तन तुना अनुपात, तन तुना अनुपात बोलते हैं हिंदी में इसको, ओके। इसका दोस्तों इसका मैंने चिन्ह बताया था आपको, ये किसका है रैमटा का चिन्ह होता है, इसका सूत्र होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम। ये देखिए दोस्तों इफेक्टिव लेंथ आपको अभी मैंने अभी निकाल के दिखाई थी, नहीं पता तो आपको ये देखिए इफेक्टिव लेंथ ओके 3.36 और आर मिनिमम क्या है ये दोस्तों IS टेबल में आपको मिलेगा 100, ओके IS टेबल में से लेना है। तो ये देखिए दोस्तों आपको प्राप्त होगा 33.6, ओके। अब दोस्तों इसमें सेक्शन इसमें चूज करेंगे हम सेक्शन ISA। अब हम सेक्शन चूज करने जा रहे हैं इसमें दोस्तों, किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम सेक्शन चूज, इसके अकॉर्डिंग करेंगे दोस्तों ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको 51.125, ओके। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें इक्वल टेबल में देख लेते हैं, अगर हमको मिलता है तो इक्वल टेबल, ये तो अनुकूल है। ये देखिए दोस्तों, यह देखिए दोस्तों इक्वल को मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों
50 गुणा 50 इसका एरिया कितना है, ये देखिए हमें देखना है 5125 के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका चल रहा है कंटिन्यू, ये बढ़ रहा है घट रहा है, ओके। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार चल रहा है दोस्तों। इसमें तो ये 1700 रुपये का अटक गया है, और बढ़ते हैं कुछ आगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हमारा है 51125 वट, ये है 5000, ये कम है, ओके। ये देखिए दोस्तों, 5780, ये दोस्तों ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना। एक बार अनुकूल टेबल में देख लेते हैं, अगर उसमें नहीं मिलेगा तो हम ये 5780 ले लेंगे, ओके। ये टेबल यहाँ ख़त्म होती है, अब अनुकूल टेबल में जाते हैं। ये देखिए अनुकूल टेबल की ओर खिसकते हैं, ये देखिए दोस्तों एरिया, ये इसमें तो है नहीं, इसके लास्ट टेबल में जाते हैं हम। ये देखिए ये चल रहा है दोस्तों, ये क्या है, एरिया है आपका, ओके। ये देखिए दोस्तों, इसकी नेक्स्ट टेबल ये आई आपकी, एरिया एरिया दोस्तों ढूंढ रहे हैं हम, ओके दोस्तों। मेन चीज़ इसमें फॉर्मूले में यही है आपकी, मेन चीज़ निकालना, ओके। ये देखिए दोस्तों मिल गया, ये देखिए कितना आ रहा है आपका, 5976, ओके। इससे कम नहीं हो रहा दोस्तों, इस वजह से यही वाली ले लेंगे, 5976 ले लेंगे हम, ओके। तो ये हमारा एंगल बना कुछ इस प्रकार, कितना बना दोस्तों, ये देखिए 5976 में 200 गुणा 150 गुणा 18, ओके। ये तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ज़्यादा तो होगी दोस्तों जब ये न्यूमेरिकली एंगल पूछ रहे हैं हमें तो निकालने का मतलब है। तो कितना है दोस्तों, 200 गुणा 150 गुणा 18 mm। ये किस कंडीशन में बनेगा दोस्तों, ये देखिए एक इस कंडीशन में बनेगा, ये है आपकी गजट प्लेट, ओके। ये आपकी लगा दी क्लिट प्लेट, ये कितने की है आपकी, ये है 150, ये बना के दिखा देता हूँ मैं, और ये है आपकी 200। और दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपकी ये 18 mm की थिकनेस है, ओके। इसको हैचिंग करके दिखा देता हूँ मैं, जिससे आपको मिस्टेक ना हो इस क्वेश्चन में, मैं नहीं चाहता दोस्तों मेरी भी ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं आपका डाउट लेकर चलता हूँ एक एक। तो दोस्तों इसका एरिया कितना था हमारा, ये था 5976 mm स्क्वायर में लिखेंगे इसको, ओके। बहुत ही सिंपल इजी है तरीका दोस्तों, 102 बार निकालोगे आप, आपके समझ में एकदम आ जाएगा। और ये देखिए दोस्तों मिनिमम, और मिनिमम कितना था हमने निकाला था, ये देखिए दोस्तों संतुलन अनुपात ये था 33.6, 33 दोस्तों सॉरी, इसके टेबल के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा हमको इसमें। तो देखिए दोस्तों टेबल के अकॉर्डिंग हम अगर लेते हैं तो ये आएगा हमारा 31.6। तो देखिए दोस्तों ये है हम टेबल में, तो ये देखिए दोस्तों ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये रहा दोस्तों। देखिए लास्ट में 11 नंबर पे ये आपका 31.9, ओके। तो आप इसमें लिखोगे 31.9, किसमें है ये, mm में है, ओके। तो दोस्तों रैमटा का चिन्ह लगा के मैंने बताया था आपको, इफेक्टिव लेंथ अपॉन स्ट्रेस, तो 3360, ओके। अब दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, इफेक्टिव लेंथ है दोस्तों ये, ओके। और आर मिनिमम कितना है, ये देखिए 31.9,
दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करा के भाग करके, तो 106.32 आएगा कुछ। मैं दोस्तों आप कैलकुलेशन पर ध्यान ना दो, थोड़ी बहुत मैं इसमें हो जाता है मिस्टेक, ऊपर नीचे वैल्यू आ जाती है। दोस्तों ये 180 से आपका कमाना चाहिए, ओके। अगर 180 से ज़्यादा है तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर है ये आपकी स्ट्रक्चर फेल हो जाएगी, इसके लिए आपको दोबारा से डिजाइन करना पड़ेगा, ओके। इसलिए दोस्तों ये आपको 180 से कम ले कर आना है, ओके, क्योंकि इसका यही फंडा है फॉर्मूला, ओके। 180 से अगर कम है तो ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे अंटर पोलिशन, अंडर पोलिशन फॉर्मूला। दोस्तों इसको तो आप याद कर लो, इस फॉर्मूला को बहुत आगे जाके काम देने वाला है। तो देखिए दोस्तों रैमटा, रैमटा कितना है हमारा, 106.32, 106.32 और किसके बीच में आ रहा है ये देखिए, एक तो आ रहा है 100 के और 110 के बीच में आ रहा है ये, ओके। और सिग्मा एसी ये हमको निकालना है, 100 और 110 की हम वैल्यू देख लेते हैं एक बार कितनी कितनी वैल्यू आ रही है। तो देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू देख लेते हैं एक बार, तो ये आए हम टेबल में, ये टेबल आपको मिल जाएगी पेज नंबर 176 पे। तो इसमें हमको दे रखा है 250 के लिए, ओके 250 के लिए लेंगे। तो इसमें हमें देखो 100 और 110 के बीच में निकालना है, 100 पर आ रहा है हमारा 80 के, 250 के लिए 80 और 110 के लिए आ रहा है ये 72, ओके। तो दोस्तों हम इसमें रख लेते हैं, 100 के लिए आ रहा है 80 और 110 के लिए आ रहा है 72। तो दोस्तों इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सिग्मा एसी कितना है दोस्तों, 80, ओके, माइनस 80 माइनस 72, ओके। ये कैसा आया ये आपको फॉर्मूला मिलेगा यश टेबल में, ओके, 80 माइनस 72, ओके। इन दोनों के बीच में देखना है हमें कितना डिफरेंस है, ओके, 110 और 100 के बीच में। तो ये देखिए दोस्तों कितना है डिफरेंस, एक बार फिर से बताता हूँ, ये देखिए 100 और 110 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का, ओके। तो ये 10 रख दिया है मैंने गुणा, अब देखना है दोस्तों इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 100 और 106 के बीच में 6.32 का अंतर आ रहा है, ये हम यहाँ लिख देते हैं 6.32 का अंतर आ रहा है। अब दोस्तों इसको हमने सॉल्व करा, कैसे करेंगे देखिए, 80 में से माइनस 72 घटाएंगे, जो आगा उसकी भाग करेंगे 10 से और जो आगा उसकी गुणा करेंगे 6.32 से, और दोस्तों जो भी आएगा आपका उसमें से 80 माइनस उसको सॉल्व कर लोगे जो आएगा, ओके। तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 74.92, ओके। दोस्तों आप न्यूमेरिकल करिए, ये मत सोचिए वैल्यू सेम आएगी, थोड़ी बहुत मिस्टेक इसमें कैलकुलेशन में हो जाती है ऊपर नीचे। तो दोस्तों इसमें हम रखते हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला, ये देखिए स्ट्रेंथ बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया बराबर कितना है 74.92 और एरिया है आपका, जस्ट अभी निकाला था मैंने दोस्तों, देखिए एरिया 5976, ओके 5976। तो दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई करके आपका ये आ गया 447.72 किलोन्यूटन, ओके। दोस्तों इसमें जो आपको देखना है, जो एरिया लेना है आपको आईएस टेबल वाला लेना है, ओके,
क्यों लेना है ये देखिए मैं वो दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इसमें हमने IS इंडियन स्टैंडर्ड एरिया एंगल ओके इस वजह से लिया है ये, तो इसी वजह से ये वाला एरिया लेंगे, ना कि ये वाला कहाँ गया वो जो क्वेश्चन में था, ये वाला एरिया नहीं लेना है आपको, ये ओनली मैच कराना है ओके। तो चलिए दोस्तों ये आपका लेक्चर हो गया कंप्लीट, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, फाइव लेक्चर में मैं आपको एक डिजाइन का क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा और इसमें का इससे रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइबर ना किया तो सब्सक्राइबर कर दे, बेल आइकन को दबा दें, सिविल इंजीनियर स्टडी को जाकर लाइक एंड शेयर करें ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।